उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव देव नई सूत नई कपास देव उठेंगे कत्तिक मास ये बोला करते थे पर ये आधा है क्योंकि उठो देव तो देव सूरा मेरे में में सिखा आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है तीन बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें भिक्ओं को भिक्कुणियों को जो तीर्थंकर हैं जो उनके अनुयायी हैं जिनको निकट नाट बोलते हैं निकट बोलते हैं और जो बुद्ध हैं उनको उठाना है आज का दिन उनके उठाने के लिए उनको जगाने के लिए उनके उनको चतुर्मास यानी चार महीने की जो योग की साधना की विपसना की जो अवधि है वो पूरी हो जाने का अलार्म हम उनको देते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप उठ जाइए अपनी उंगलियां चटकाइए आपकी बैठे बैठे विपसना साधना में उंगलियां जाम हो गई हैं खून जाम हो गया है हड्डियां जाम हो गई हैं तो उनको ठीक करिए तो इसको बाद के दिनों में क्योंकि ये जो फेस्टिवल है या जो प्रक्रिया है ये बुद्ध को उठाने की प्रक्रिया या महावीर को उठाने की प्रक्रिया या उनके अनुयायी जो बाद में भिक्कू भिकुणुड़ी बने या जो उनके वहाँ जैन मुनि बने उनको चार महीने बाद चतुर् महीने बाद यानी बस्सावास का जो चार महीने का पीरियड है उसको चार दिन पहले पाँच दिन पहले क्योंकि कार्तिक मास को चार महीने पूरे हो जाते हैं कार्तिक मास को चार महीने पूरे हो जाते हैं तो उनको उठाना है उनको जगाना है ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें जो उधर मगध का एरिया है वहाँ तो छठ पूजा के साथ साथ में लोग खाने पीने का इंतजाम करते हैं उनको देते हैं और जैसा मैंने छठ में बताया था कि जो बिंबा हैं या जो यशोदरा हैं या जो राहुल माता हैं या जो भद्दा कच्चाना हैं उनके लिए उनके सम्मान के लिए लोग वहाँ रखते हैं पर साथ में ऐसा भी है कि जो खाने का सामान लाते हैं वो भिकनुआ की पवारड़ना के लिए लाते हैं ये शब्द है दरअसल पवारना पवन की तरह निवारण करना यानी चलना पर्दा हटाना और आगे बढ़ने के लिए पवारना बोलते हैं पवन से बना हुआ है निवारण करना होता है उससे पवारण करना होता है तो यहाँ पश्चिम की तरफ क्या करते हैं वहाँ तो छठ मनाते हैं सारा काम करते हैं पर पश्चिम में क्या करते हैं पश्चिम के अंदर बुद्ध के जाने के बाद या बुद्ध के समय भी क्योंकि चार मास हो रहे हैं चतुर्मास हो रहे हैं तो उनको जगाना है उनको तैयारी करानी है उनसे निवेदन करना है तो उनको कहते थे उठो बुद्ध बैठो बुद्ध विपसना से साधना से यानी उठो बुद्ध विपसना से उठो बुद्ध साधना से अंगुलियां चटकाओ बुद्ध यानी अपनी जो उंगलियां हैं जो आपकी जाम हो गई हैं विपसना साधना में उनको चटकाओ उनको हाथ पैरों को हिलाओ नई सूत नई कपास यानी नया सूत आ गया है क्योंकि कपास नई आ गई है और उससे सूत नया बन गया है तो वो ये बता रही हैं लोग ये बता रहे हैं कि चीवर बनने के लिए तैयारियां हैं चीवर बन रहे हैं और देव उठेंगे कत्तिक मास यानी कि कत्तिक की पूर्णमासी है उस दिन देव उठेंगे उस दिन वो निकल जाते हैं तो देव जो बोला गया है देने वाले को देव बोलते हैं यानी जो क्या दे रहा है जो ज्ञान दे रहा है जो शांति दे रहा है जो दीक्षा दे रहा है जो दीक्षा दे रहा है उसको देव बोलते हैं देव वैसे तो देव का मतलब है देने वाला यानी जो कुछ भी दे उसको देव और जो कुछ भी, भी महिला अगर कुछ देती है तो उसको देवी इसको देवा भी बोलते हैं देवी भी बोलते हैं देवाती देव का मतलब है देवों का भी देव देने वालों का भी देने वाला यानी जो जो सबको बाँटते हैं उनको भी देने वाला इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं तो वहाँ जो बात बनती है इस भारत के अंदर ये जो कत्तिक मास की जो सुक् एकादशी है सुक्क एकादशी मतलब सफ़ेद रंग वाली सुक् पक्ष होता है जब चंद्रमा आगे बढ़ता है और पूर्णमासी आती है यानी फुल मून होने वाला है तो उसमें जो ग्यारहवा दिन है उस ग्यारहवें दिन को पहले बोला जाता था प्रबोधन एकादशी प्रबोधन एकादशी मतलब बोधन करना पूरा प्रबोधन चार महीने में पूरा प्रबोधन हो गया बाद में इसको प्रबोधनी एकादशी बोलने लगे संस्कारित कर दिया प्र प्रेब, उसमें जोड़ दिया और थोड़ा घटाने के बाद इसको देव उठान देव उठान बोलने लगे उठान माने उठना देवों का उठना और फिर बाद में सरल करके हिंदी में देव उठान और फिर बाद में देव उठनी क्योंकि महिला भी होती हैं भिकुणी भी होती हैं तो देव उठनी ये शब्द बाद में बने पुराने अगर साहित्य में आप जाओगे तो इसकी कोई कहानी आपको कोई इतिहास कहीं मिलेगा नहीं दूर दूर तक भी कोई इतिहास कहीं कोई टाइम कहीं कुछ नहीं मिलेगा एक कहानी मिलती है जो कहीं फिट नहीं बैठती आप कहीं भी जाओगे तीन लाइन की एक कहानी है पर वो कहानी जो है वो बड़ी एक एक चीज़ ऐसे बताती है कि आँखें खुली की खुली रह जाती हैं देव उठान की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम कासाय रंग से कासाय जिसको बाद में गेरुआ बोला गया कासाय मतलब जो भिक्कू जिस रंग के कपड़े पहनते थे उसको गेरुआ रंग भी बोलते हैं तो गेरुए रंग से हम अपने दरवाजे पर आज के समय प्रतीकात्मक रूप से पहले तो हम उनको उठाना जाया करते थे पर जब भिक्कू भी चले गए भिक्खुड़ियाँ भी चली गई और जो यहाँ जैन मुनि हैं वो भी चले गए तुल तो पर लोगों को याद रहा कि हमको अपने भिक्खु भिक्खणियों को उठाना है ताकि वो चारिका के लिए जाएं लोगों का उत्थान करें तो अपनी दीवार पर बुद्ध का पूरे भिक्खु संघ का यानी बुद्ध का एक बड़ा सा वो बनाते हैं गेरुए रंग का चित्र जो मानव आकृति का होता है और उसके अंदर छोटा सा बनाते हैं उसके अंदर पद चिन्ह बनाते हैं बाद में उसको गाय का चिन्ह बोलने लगे पद चिन्ह बनाते हैं कमल का फूल बनाते हैं उसके अंदर कमल का फूल जो ये प्रतीक बताता है कि ये बुद्ध के जन्म से संबंधित कथा है वो बनाते हैं उसके अंदर धम चक्र बनाते हैं नीचे की तरफ जो पैरों में आता है धम चक्र आता है वो अपने परिवार के पद चिन्ह बनाते हैं आज उनको परिवार का पद चिन्ह बोलते हैं पर पहले वो बुद्ध के पद चिन्ह होते, होते थे बुद्ध के चरण पादु होते थे बुद्ध के चरण चिन्ह होते थे चरिका चिन्ह यानी कि बुद्ध के जो मार्ग है जो चरण है उस पर चलने वाले चिन्ह बनाया करते थे वहाँ जो सामग्री रखते हैं उनको देने के लिए क्योंकि भिक्कू जागेंगे भिक्कुड़ी जागेंगे संग जागे तो खाने का सामान चाहिए तो सिंघाड़े मूली गाजर गोभी गन्ना जो फसल आई है वो फसल जो आई है कपास अनाज वो रखते थे कि ताकि उनको देना है जब वो जगेंगे क्योंकि वो जाने वाले हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी होती थी और क्या गीत गाते थे उठो देव बैठो देव उंगलियाँ चटकाओ देव देव नई सूत नई कपास देव उठेंगे कत्तिक मास ये बोला करते थे पर ये आधा है क्योंकि उठो देव तो देव सोए हुए हैं तो देव कैसे सोए हुए हैं कोई भी व्यक्ति चार महीने तक नहीं सो सकता अगर कोई व्यक्ति या जानवर चार महीने तक सोएगा तो मर जाएगा इसलिए वो आठ घंटे सोएगा बहुत ज्यादा सोलह घंटे सोएगा पर दिन में चौबीस घंटे भी कोई सोएगा तो भी उठ जाएगा वो सो ही नहीं सकता आप सो के देख लीजिए तो चार महीने तक कौन सो रहा है चार महीने तक वो सो सो रहा है जो चतुर्मास के अंदर ध्यान व्यपसना साधना कर रहा है वो सोया हुआ है अपनी योग निद्रा में योग माने अच्छे कर्मों को योगना जोड़ना योज करना उसकी निद्रा में बैठा हुआ है तो जब वो निद्रा में बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है उसको उठाना है तो जो लोग वेपसना साधना में बैठे हुए हैं ध्यान में बैठे हुए हैं उनको ही उठाना है तो उनको उठाना है इसलिए इसको बोलते हैं देवों को उठाना है यानी देव सोए हुए हैं और सारी प्राणी जो प्राकृतिक बात है उसके अंदर भी चार महीने ही बोला गया है और चार महीने सिर्फ बुद्ध के या जैन के चतुर्मास होते हैं और किसी के होते नहीं और सारे चिन्ह वही बताते हैं तो उनको उठाकर पवारना करानी है कत्तिक मास के बाद सारे भिक्खुर भिक्खुणी अपना जो विहार है जहाँ वो चार महीने रहते हैं उसको छोड़ देते हैं उसको पवारना बोलते हैं उसको देव उठान बोलते हैं उसको बुद्ध देव उठान बोलते हैं उसको बुद्ध उठान बोलते हैं उसको बुद्ध प्रबोधन एकादशी बोलते हैं असली नाम है उसका धम्म प्रबोधन एकादशी क्योंकि धम्म का प्रबोधन आरंभ होना शुरू हो जाता है महिलाएं आज के समय व्रत रखती हैं अपने बच्चों बच्चों के नाम वगैरह लेती हैं ये बाद की परंपरा है ये बाद में जुड़ी है पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कमाल की बात है कि सारा का सारा टाइम स्लॉट और उनका सोने का सिस्टम और एक एक चीज़ यहाँ तक कि उनका रंग और जो खाने की सामग्रियाँ हैं और जो व्रत रहने का तरीके हैं और जो उनकी पूजा विधि है और जो आज भी वो बुद्ध को याद करते हैं अपने घर में बनाकर और उसकी आकृति बिल्कुल ऐसी ही बनाते हैं जैसे बुद्ध की आकृति होती थी और उसमें दीप भी बनाते हैं अत दीपो भव के दीप भी बनाए जाते हैं उसके अंदर चारों तरफ ये सारा का इस सारा का सारा सिस्टम वही सिस्टम है जिसको हम पवारना बोलते हैं या छठ वहाँ पर चलता है जिसमें देते हैं इसलिए हमको अपने भिक्कुओं को और भिक्कुनियों को जो हम पवारना का नाम लेते हैं इसको हम धम्म पबोधन एकादशी भी बोल सकते हैं या इसको धम्म देव उठावनी भी बोल सकते हैं या धम्म देव उत्थान भी बोल सकते हैं कोई भी नाम ले सकते हैं ये वही पुराना का पुराना सिस्टम है तो हमको अपने देव यानी देने वाले दिखा देने वाले उठाने चाहिए और पाँच दिन पहले अलर्ट होता है उसके बाद वो तैयारी करते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं क्योंकि शरीर पाँच दिन में नॉर्मल होकर अपने काम पर दोबारा से लग जाते हैं और नई सूत कपास का, का चीवर उनको मिल जाता है जिसको चीवरदान बोलते हैं और कत्तिक मास में आज के समय पूरे कत्तिक मास में जब से लगता है और पूर्णमासी तक हर जगह भारत में पूरी दुनिया में कठिन चीवर कठिन चीवर उसको बोलते हैं पहले जो चीवर बनते थे उसको कठिनाई से बुना जाता था धागा लेके आए फिर सूत बनाया फिर बारीक किया फिर उसको रंगा थोड़ा कठिन प्रक्रिया होती थी बारीक बनाते थे तो कठिन चीवर बोला करते थे कठिन का मतलब ऐसा नहीं है कहीं पत्थर जैसा कठोर है या लकड़ी का कठिन है या काठ का बना हुआ है कठिन का मतलब है कि कठिनाई से बनाया हुआ है पर आजकल कठिनाई नहीं है हम उसको बोलते हैं बेशक क्योंकि परंपरा में लकीर की फकीी तो हम भी करते हैं हम उसको कठिन चीवर बोलते हैं पर वो अब आसान चीवर है दो हज़ार रुपये दो पाँच हज़ार पंद्रह सौ रुपये दो आसान चीवर है अब चीवर आसान है अब कठिन चीवर नहीं है पर ट्रेडिशन है बोलते हैं तो बोलते हैं आप किसी को कहोगे तो नाराज़ हो जाएगा क्योंकि हर जगह परंपरा का लांग लपेट होती है तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है हालांकि बुद्ध ने बहुत सारी तोड़ी हैं पर बुद्ध के ही फॉलोवर शब्दों के अर्थ नहीं समझते और आसान चीवर को कठिन चीवर बोलते हैं तो ये चीवर चलते रहते हैं आज के समय जो चीवर दान हो रहे हैं या कठिन चीवर दान हो रहे हैं वो फेस्टिवल का रूप ले चुके हैं पुरानी परंपरा नहीं है पुरानी परंपरा बड़ी महान थी पुरानी परंपरा में सब अपने अपने घर से खाना लेके आते थे भिक्खुओं को खाना देते थे सेवन करते थे अपने हाथ से बना कर चीवर लाते थे उनको चीवर देते थे वो चीवर सब जमा हो जाते थे जिसको आवश्यकता होती थी, थी उसको मिला करते थे भिक्खू संघ में वहाँ उनका जो जिस तरह आज की तरह फूल मालाओं से स्वागत होता है जिस तरह आजकल भिक्कू फूलों के रास्ते पर चलते हैं ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है बहुत साधारण तरीके से सिंपल तरीके से उनका जाना और आना होता था उल्लास सभी में रहता था पर उत्सव की तरह जैसा आजकल है वैसा नहीं होता था और भिक्कू संघ में होता था आजकल क्या हो रहा है कि जो चीवरदान हो रहे हैं वो अलग अलग भिक्कू के भी हो रहे हैं तो वो चार पांच भिक्खु एक साथ इकट्ठे होते हैं फिर कहीं और इकट्ठे होते हैं ये संघ की परंपरा नहीं है संघ एक होना चाहिए और सारे चीवर संघ में जाने चाहिए ये परंपरा है अलग अलग संघ नहीं बन सकते वो बात खैर भिक्खु जाए क्योंकि उनको देर सवेर ठीक होना पड़ेगा पर ये हमारी उठावनी देव उठावनी हमारा ही फेस्टिवल है ये गारंटेड है हम इस पर बहस कर सकते हैं जो व्यक्ति चाहे इस पर बहस कर सकता है क्योंकि वैसे भी सारे फेस्टिवल हमारे ही हैं दूसरा फेस्टिवल क्या आता है आज एकादशी है एकादशी के चार दिन बाद कत्तिक पूर्णमासी है इसको नहान पूर्णमासी बोलते हैं नहाने की पूर्णमासी हमारे इधर के शेरिया में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है तो यहाँ एक मेला लगता है बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं गढ़ मुक्तेश्वर मेला या गढ़गंगा का मेला ये गढ़गंगा का मेला बड़ा कमाल का है आप पहले सबसे पहले ये देखिए कि जब आपको पेशाब आता है पेशाब जो शब्द है वो उर्दू से आया हुआ है हमारा जो ओरिजिनल शब्द है वो है मूत और मूत जो शब्द बना है वो बना है मुत्त से मुत्त पाली के अंदर बोलते हैं रिलीज करना आजाद करना फ्रीडम करना यानी मुक्त माने बाद में इसको संस्कृत करके मुक्त किया गया और मुत्ती का मतलब होता है मुक्ति <coughs> यानी जो मुक्ति शब्द है वो मुत्ती है तो हम किसी चीज से फ्रीडम पा रहे हैं हम किसी से आजादी पा रहे हैं तो जिससे हम आजादी पाते तो कहते हैं इससे हम मुक्त हो गए मुक्त हो गए या हमारी मुत्ती हो गई यानी मुक्ति हो गई तो गढ़ मुक्तेश्वर में क्या चीज मुक्त हो रही है इसका पूरा नाम है गढ़ मुक्त इसी वर यानी वहां इसी हैं बहुत सारे वैज्ञानिक हैं भिक्कू हैं वर माने श्रेष्ठ हैं <coughs> मुक्त माने या तो वो मुक्त हैं या मुक्त करने वाले हैं और गढ़ का मतलब होता है पाली के अंदर जहाँ बहुत सारे भिक्कू और भिक्कुड़ी रहते हैं उसको गढ़ बोलते हैं भारत में ऐसे बहुत गढ़ हैं गढ़वाल जहाँ गढ़ीगढ़ थे छत्तीसगढ़ जहाँ छत्तीसगढ़ थे अलीगढ़ हनुमानगढ़ रामगढ़ रामगढ़ मतलब जहाँ भिक्कू आराम क्या करते थे वो गढ़ किशनगढ़ रायगढ़ ये गढ़ आप ढूंढोगे तो आपको इतने गढ़ मिल जाएंगे इतने गढ़ मिल जाएंगे गढ़ और गढ़ी ये बहुत मिलेंगे पर जहां जहां गढ़ और गढ़ी हैं वहां भिक्कुओं के गढ़ रहे हैं भिक्ओं के समूह रहे हैं इसलिए उसको गढ़ बोलते हैं तो गंगा घाट के अंदर क्या मुक्त होने जा रहा है किससे मुक्त होने जा रहे हैं कौन सी चीज़ है जो वह मुक्त होने जा रहे हैं कोई वहाँ मूतने तो जा नहीं रहा क्योंकि इतनी दूर तो नहीं जाएगा वहाँ साल में इकट्ठे होते हैं अपनी फसल काटने के बाद और दूसरी फसल आने वाली है यानी कि चावल की फसल काटी है बारिश के बाद की फसल काटी है और अब रबी की फसल बोने जा रहे हैं या बोकर जा रहे हैं अधिकतर बो के जाया करते थे क्योंकि अभी ठंड कम हुई है पहले ठंड ज़्यादा पड़ा करती थी तो बो के जाया करते थे तो दस दस और पंद्रह पंद्रह दिन गढ़ गंगा के घाट पर लोग पहुँचते हैं किस चीज से मुक्त होने के लिए पहुंचते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो उनको लपेट के परेशान कर रही है और मुक्त होने की क्या परंपरा है और वो जो इसी हैं गण इसी हैं जो मुक्त करने वाले इसी हैं जो है, जो भिक्षुणी है वो किस चीज से मुक्त कराएंगे और मुक्त कराने का क्योंकि मुक्त जो होता है व्यक्ति वो जीते जी हो सकता है अपने पापों से और कोई तरीका नहीं है नहाने का मतलब नहान का मतलब हम बोलते हैं कत्तिक नहान आ रहा है नहान पुराने लोग जो बोला करते थे स्नान नहीं बोलते थे स्नान शब्द हमारा नहीं है गुसल शब्द हमारा नहीं है पाली के हैं ये उर्दू का है गुसल और जो स्नान है ये बाद में नहान को बदला गया है नहान का मतलब होता है धोना साफ करना जो किसी भी तरीके से किया है। यानी नहा गए कैसे जैसे कोई आदमी बारिश में कहता नहा गया बारिश में कोई कहता दूध से नहा गया कोई कहता खुशी से नहा गया कोई कहता है गम से नहा गया मतलब जो ऊपर से पड़े और नीचे तक उसको भिगोता हुआ धोता हुआ चला जाए पूरी बॉडी को उसको नहान बोला करते थे तो नहान की प्रक्रिया आज के समय तो हम पानी से लेते हैं क्योंकि हम रोज पानी से शरीर को साफ करते हैं पर मन जो मन का मैल है उसे कैसे साफ करेंगे उसको कौन नहलाएगा उसकी गंदगी कौन साफ करेगा उसका नहान कैसे होगा जो मन हमारा गंदा है तो वहां पर लोग जाया करते थे क्योंकि आपको अगर ध्यान तप साधना भिक्कु और से सीखनी है और मुक्त होना है तो मुक्त होने का स्थान भी तो होना चाहिए घर के अंदर आप साधना बिपसना करके मुक्त नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि घर के अंदर राग द्वेष रह रहता है आपकी पत्नी आपके बच्चे आपका प्यार आपका ईर्षा अड़ोसी पड़ोसी खाना सब कुछ आसपास रहता है 24 घंटे माइंड में चलता रहता है क्या खाना है क्या कमाना है कौन आया कौन गया जब मन ही खाली नहीं है तो मन मुक्त कैसे होगा स्नान कैसे होगा क्योंकि जब आदमी नहाने जाता है पानी से तो सारे कपड़े उतारता है पहले अपने आप को पूरी तरह से बिल्कुल साफ़ करता है तब शरीर पे पानी डालता है तब जाके वो मैल उतरता है वैसे ही जब तक मन खाली नहीं होगा शरीर खाली करके तो नहा लिए कपड़ा उतार के पर मन खाली जब तक नहीं होगा तो मन का स्नान कैसे होगा मन कैसे साफ़ होगा इसलिए वहाँ जाते थे वहाँ कोई पानी से नहाने नहीं जाता था पानी से तो इसलिए नहा लिया कि चलो आए हैं तो पानी में डुबकी लगा ली ठंड में पानी से नहाने का कोई फायदा नहीं नहाए तो गर्मियों में नहाए पर वहां असली जो स्नान होता था वो होता था मन के मैल का स्नान मल के मैल का मन के मैल का नहान उसको धोना कौन करेगा भिक्कू और भिकुणियों के गढ़ करेंगे तो वहां धारा बह रही है और मीलों तक गढ़ का जो बताते हैं तीस किलोमीटर लगता है मेला हो सकता है उस समय पार्ट और भी चौड़ा हो तो जगह 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 लोग वहाँ बैठे रहते हैं खाना वाना वहीं बनाए वहीं अपना थोड़ा बहुत खा लिए और वहाँ भिक्खुओं के साथ बैठ के ध्यान तत् तप साधना करने लगे और जीते जी नहा के आते थे स्नान करके आते थे ये सारा काम जगह जगह जितने भी गढ़ हैं वो सारे गढ़ों में होता है एक गढ़ है एक दंत होता है जहाँ दंत माने भी दमन करना होता है जहाँ जहाँ दंत लग जाए दंतेश्वरी दंतेसरा वहाँ भी होता है मुक्तेश्वर भी होता है जहाँ मुक्तेश्वर शब्द लग जाए वहाँ भी होता है बहुत सारे मुक्तेश्वर हैं जो मुक्त करते हैं जो गढ़ है वो भी करते हैं जो नाथ है वो 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 भी करते हैं बहुत सारी जगह है जहाँ ये काम होता था तो ये सारा गढ़ का काम वहाँ होता है पर आज क्या हो रहा है भिक्कू चले गए भिक्कुड़ी चले गए गढ़ परिषद चला गया गढ़ चला गया और गण से बहुत सारे शब्द बनते हैं बहुत सारे तो आज के समय लोग जाना नहीं छोड़े वहाँ पर तो लोगों ने पिकनिक बना लिया लोग वहाँ अपने मरे को एक दीपक जला देते हैं और दीपक जलाने के बाद में ऐसा मानते हैं कि इसके पाप मुक्त हो गए मरने के बाद किसी के पाप मुक्त नहीं होते वो साथ जाते हैं फिर आगे जन्म लेते हैं ये बुद्ध की थोड़ी है और जीते जी कोई भी व्यक्ति अपने पापों को छोड़ सकता है पापों को ख़त्म कर सकता है तो वहाँ जीते जी का खेल था पर आज के समय मरने के बाद हो गया क्योंकि लोग जाते हैं और मन को शुद्ध करते हैं इसलिए गढ़ मुक्तेश्वर जो हमारे पापों की मुक्ति है उसका सबसे बड़ा स्थान रहा है और ये सबणों का रहा है वैसे तो सारे फेस्टिवल समणों के हैं पर जहाँ गण से बुद्ध से और ध्यान से तप से साधना से पाप से पुण्य से हैं वो तो कमाल के हैं इसलिए जितने भी गंगा हैं गंगा बोलते हैं बहते हुए पानी को पाली में जितनी भी गंगा हैं चाहे वो यमुना गंगा है चाहे वो ये गंगा के नाम से गंगा है चाहे वो कावेरी गंगा है चाहे वो कोई सी भी गंगा है उन गंगाओं के घाट पे जगह जगह गढ़ लगते हैं क्योंकि पानी चाहिए था तो पुराने समय में तो खाना बनाने के लिए रहने के लिए वैसे भी जितने भी भिक्खु और भिक्खुणी के संघ होते थे वो गंगा किनारे यमुना किनारे जो भी गंगा होती हैं उनके एक साइड में ही रहते थे तो वह सारा का सारा सिस्टम इसलिए वहाँ गढ़ गंगा के लिए होता है आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी वहाँ पर लोग अपना मुंडन कराते हैं क्योंकि विपसना साधना में लोग मुंडन कराया करते थे और मुंडन कराने की प्रक्रिया भिक्खु और भिक्खुणी बनने की थी चाहे भले ही दस और पंद्रह दिन के लिए बने तो वहाँ मुंडन संस्कार भी होते हैं इसलिए गंगा घाटों पे यानी जितने भी गंगा एक घाट हैं वहाँ पर मुंडन आज भी सारे होते हैं लोग किसी का मरता है मरने के बाद में लोग मुंडन कराते हैं दस पंद्रह दिन की वहीं साधना करते हैं उसके जो दुख है वो दूर हो जाते हैं फिर वो अपने काम पर लग जाता है तो मुंडन कराने की प्रक्रिया क्योंकि जितने भी मुंडा मुड़िया मुंडे जितने भी भारत में मिलेंगे वो सारे के सारे पुराने विपसना साधना करने वाले बुद्ध के अनुयायी आपको मिलेंगे जो बुद्ध के धम्म के अंदर सीखा करते थे और जाना करते थे कोई आदमी कह सकता है हम बुद्ध की बातें बहुत ज़्यादा बताते हैं पर हम करें क्या दरअसल क्या है जहाँ भी हाथ डालते हैं जो भी किताब खोलते हैं वो सब बुद्ध तक पहुँचती है वो सब जैन तक पहुँचती है वो सब समणों तक पहुँचती है वो सब महासमणों तक पहुँचती है हम तो कहते हैं कि भाई कहीं और पहुँचा के दिखा दो ये ओपन चैलेंज है हो सकता है कि हम अंधे हो गए हो हमारा चश्मा अंधा हो गया हो पर आपके आँख हो तो हमें बताओ दिखाओ कि भारत की जितनी भी फेस्टिवल हैं जितनी भी चीज़ें हैं उनका उद्गम कहाँ से है वो समणों की कौन सी धाराओं से निकलती हैं उनकी परंपरा क्या है उनके क्रियाकलाप क्या है उनकी उनकी जो चीज़ें वो क्या हैं उनकी हिस्ट्री क्या है वो लिखे हुए कहाँ हैं तो कितना ही खोजोगे जितना खोजोगे वो सब धाराएँ सारी सारी समण संघ से निकलती हुई आती हैं समणों के संघ की सारी हैं ये सारे फेस्टिवल समणों के हैं किसी को अच्छे लगें या बुरे लगें इस पर बहस हो सकती है तर्क हो सकता है वितर्क हो सकता है पर ये अटल है ये हटता नहीं है हमने भी बहुत कोशिश की जब बाबा साहब का चश्मा लगाया बाईस प्रतिज्ञाओं का चश्मा लगाया और हमने भी जब फेस्टिवल वगैरह छोड़ने की प्रतिज्ञा की पर जैसे जैसे अध्ययन करते गए वैसे वैसे पाते गए सब समणों का है छोड़ो या ना छोड़ो ये आपके ऊपर है पर है समणों का ये गारंटेड है इसलिए आपका है वो आपकी इच्छा है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं किस तरह से मनाते हैं ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई आज की और तीसरी बात है हमारी जो हमारा रूटीन का समर्ण संघ का कंसेप्ट होता है क्योंकि हमारे कुछ नए साथी भी आए होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि आखिर समर्थसंग है क्या दरअसल अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अभी दो दिन बाद 26 नवंबर है 26 नवंबर को संविधान दिवस है संविधान देश ने अडॉप्ट किया माना बन के पूरा हुआ संविधान सभा में पास हुआ लागू तो बाद में हुआ तो संविधान दिवस को सबसे पहले जो विजय मानकर हैं उन्होंने मनाया भारत में सबसे पहले संविधान दिवस उन्होंने मनाया है उनका नेट पर उनका वीडियो है सबूत है इस बात के क्योंकि पहली बार उन्होंने मनाया काफ़ी पहले मनाया उसके बाद ये डंप हो गया क्योंकि मनाने के लिए ये लोग समझे नहीं जाने नहीं फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनाया अभी मनाया सत्तर अठारह में सोलह में या सत्रह अठारह मनाया या पंद्रह में मनाया था एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं क्योंकि मैंने चेक नहीं किया उसके बाद फिर हमने मनाया यानी समण संघ ने मनाया समर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार मनाया पर हमने पकड़ लिया इसको कि भाई ये समण ये जो संविधान है ये समणों का है क्योंकि इसमें सम लिखा हुआ है सम समण संविधान तो हमने इसको प्रमोट किया हमने इसका प्रचार किया हमने इसका प्रसार किया पहले साल हमने लगवाया तो लगभग हम इंडिया गेट पर गए वहाँ बैठे वहाँ लोगों को बुलाया हम ही हम दिखाई दिए और कोई था नहीं उसके बाद में दोबारा लगा इसका खूब प्रचार किया तो लगभग दो जगह ये बना त्यौारा तीसरी साल जब इसका प्रचार किया तो ये दस एक हज़ार जगह मना बाद में ये और मने लगा पर अब हम पछताते हैं हमें लगते हैं कि हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए था संविधान दिवस को नहीं मनाना चाहिए था क्योंकि संविधान दिवस भी ऐसा ही हो गया जैसे आरक्षण है आरक्षण को लोग जब आरक्षण का इस्तेमाल करते थे और आरक्षण लेते थे तो आरक्षण को खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट आई उस समय उसने पाँच ओएम जारी किए आरक्षण को खत्म करने के लिए इनडायरेक्ट वे में क्योंकि इसका कानून नहीं है ये आज भी भारत में बिना कानून के चलता है अगर कोई आरक्षण ना दे आपको या आरक्षण बदल दे या आपका आरक्षण खा जाए या कोई झूठा प्रमाण पत्र बना के नौकरी ले ले तो उसको कोई सजा वजा नहीं है जो चाहे वो कर सकता है आरक्षण देने वाले आरक्षण दें या ना दें कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि इसका कोई कानून नहीं है ये एक कागज के पन्ने पर चलता है जो ओ एम ओ एम बोलते जिसको ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं उसके आधार पर चलता है तो जो ये ऑफिस मेमोरेंडम चलता है ओ के आधार पर चलता है वो पाँच ओ आए जो संविधान को खत्म करने वाले थे और उसके बाद फिर सरकारी कर्मचारी अपने संविधान को अपने प्रमोशन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए तीन चार बार वो रामलाम मैदान में इकट्ठे हुए उसमें दो एम वापस हुए एक आधा अधूरा हुआ पर लागू ऐसे हुए तो उसके बाद जितने भी लोग थे क्योंकि वो जो सभाएं लगी उसमें लोगों ने पैसा बहुत दिया चंदा बहुत आया चंदा बहुत आया मीटिंग बहुत लगी तो पैसा देने में हमारे लोग पीछे नहीं हटे तो बहुत सारे लोगों ने आरक्षण बचाने का काम शुरू कर दिया आरक्षण नहीं बचा पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति आरक्षण बचाओ समिति आरक्षण बचाओ सम्मेलन आरक्षण बचाओ रैली मतलब साल दर साल एक परंपरा सी बन गई कि आरक्षण बचाना है लोग नए नए मैदान में आते गए उसी संगठन में से टूट टाट के दूसरे बन जाते थे आरक्षण नाम पे पैसे लेते थे यूपी में फिर आरक्षण चला गया तो फिर वहाँ पर कुछ लोग सक्रिय हो गए फिर पैसे देने लगे लोग पर आरक्षण की इतनी मुहिम चलने के बाद भी आरक्षण बचा नहीं आरक्षण खत्म करने वालों ने सीधा आरक्षण खत्म ना करके आरक्षण जिस विभाग में जिस नौकरी में जिस डिपार्टमेंट में मिलता था वो डिपार्टमेंट ही बेच दिए या खत्म कर दिए या नौकरियां ख़त्म कर दी या प्राइवेट कर दी या एडोक्ट कर दी या टेम्प्रेरी कर दी पर नौकरियां ख़त्म कर दी नौकरियां ख़त्म हो गई तो आरक्षण खत्म ऑटोमेटिक हो गया कहना नहीं पड़ा पर आरक्षण खत्म हो गया तो इतने सारे संगठनों को जो पैसा दिया इतने सारे संगठनों के साथ जो खड़े हुए और इतने सारे संगठनों को जो मदद दी या इतने सारे संगठन जो आरक्षण बचाने आए वो कामयाब क्यों नहीं हुए क्योंकि सभी लोग लग गए आरक्षण बचाने पर चारों तरफ आरक्षण बचाने की रैलियां सम्मेलन होने लगे लोग नए नए भाषण देने लगे दुनिया भर का आरक्षण पढ़ाने लगे पर इकट्ठे नहीं हुए इकट्ठे नहीं हुए इसलिए उनके खुद के डिपार्टमेंट भी बिक गए जो डिपार्टमेंटों को नेता नेतागिरी कर रहे थे उनके खुद के डिपार्टमेंट बच गए पर उनको इस बात की शर्म नहीं है कि हम आरक्षण बचाने गए थे आरक्षण तो छोड़ो हमारे डिपार्टमेंट ही चले गए कोई पूछता नहीं वो बताते नहीं फिर वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं तो जो हश्र आरक्षण का हुआ बचाते बचाते वही संविधान का हो रहा है छब्बीस नवंबर संविधान डे है अब गवर्नमेंट नहीं मनाती इसको और जो लोग संविधान का मजा ले रहे हैं या संविधान का पूरा फायदा उठा रहे हैं वो भी नहीं मनाते उनका तो काम चल रहा है पर जिनको संविधान कुछ देता था और उनके अधिकार चले गए उनको बनाने की मजबूरी है उसमें समर्ण लोगों का एक छोटा सा हिस्सा है जो सबसे नीचे आता है तो हुआ क्या कि हर आदमी को एक नया काम मिल गया कह रहे भाई अब आरक्षण वाला काम तो चलेगा नहीं क्योंकि अब किस मुंह से आरक्षण के लिए पैसे मांगेंगे अब कैसे कहेंगे कि आरक्षण बचाओ अब तो लोग पैसे नहीं देंगे कहेंगे तुम झूठे हो ये तो डिपार्टमेंट बिक गया तो आरक्षण क्या बचाओगे तो संविधान बचाने के लिए पहले तो उन्होंने प्रचार किया संविधान खतरे में है खतरे में खतरे में पर किसी ने बताया नहीं खतरा क्या है और कैसे दूर होगा और फिर खतरा खतरा करके डरा डरा के उसकी अलग अलग संस्थाएं बना ली कोई संविधान यात्रा निकाल रहा है कोई संविधान का पाठ कर रहा है कोई संविधान का पाठशाला चला रहा है कोई संविधान का विमोचन कर रहा है कोई संविधान बांट रहा है कोई संविधान छाप रहा है लोग चार चार, -चार सौ रुपये का संविधान बेच रहे हैं जो सौ रुपये का पड़ता है पचास रुपये का पड़ता है पैसे कमा रहे हैं लोग संविधान के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं संविधान दिवस मना रहे हैं संविधान की कस्में खा रहे हैं संविधान का पाठ कर रहे हैं संविधान का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं संविधान का लेकर फोटो छपवा रहे हैं संविधान की बड़ी बड़ी चित्रमालाएँ बन रही हैं संविधान के कंपटीशन हो रहे हैं संविधान का पता नहीं क्या क्या हो रहा है संविधान के नाम पर संविधान नहीं बच रहा और संविधान बचेगा भी नहीं तो हमें लगा कि हमने गलती करी क्योंकि ये लोग फिर उसको व्यापार बना के धंधा बना के संविधान को भी लग गए काम पे पर किसी ने भी नहीं सोचा कि संविधान बस्ता कैसे है संविधान खतरे में कैसे है संविधान खतरे में नहीं है खतरे में संविधान से जो लाभ लेने वाले लोग हैं वो हैं जिनको लाभ मिल रहा है और ज़्यादा मिला है संविधान से वो क्यों बदलें संविधान को उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है उनकी तो जिंदगी बढ़िया हो गई पर जिनके कुछ अधिकार थे और वो संविधान के तहत में जा रहे हैं उनको लगता है कि पहले वाले अधिकार आने चाहिए यानी झगड़ा इस बात का है कि जो अधिकार हमें वहाँ लिखे हुए हैं वो हमारे वापस आने चाहिए इसको संविधान बचाना कहते हैं कि संविधान वापस आने चाहिए तो संविधान के अंदर अपने अधिकार के जो अनुच्छेद हैं या अनुद, जो जो टिप्पणियाँ हैं जो वहाँ हमारे आर्टिकल लिखे हुए हैं वो वापस आएँ या वो ठीक हों या और जुड़ें उसको कहते हैं संविधान बचाना तो उसको कैसे बचाएंगे संविधान में कोई भी आर्टिकल या कोई भी धारा या कोई भी अगर वहां एक्ट जुड़ता है तो वो बहुमत से जुड़ता है और बहुमत से ही खत्म होता है और बहुमत लोगों की जनसंख्या पे निर् वो करता है निर्भर करता है तो आप जनसंख्या को जुटा लीजिए बहुमत को जुटा लीजिए आपको पार्लियामेंट जाने की जरूरत तो नहीं है आपको एमएलए एम पी बनने की जरूरत तो नहीं है आपको सिर्फ संख्या को शो करना है संविधान को पता चल जाता है कि ये संख्या हमारी है या नहीं है इस बात को लेके हम पिछले कई सालों से लगभग 2004 के बाद से लेके आज 19 साल होने वाले हैं हम लगातार बात कर रहे हैं कभी हम प्रेसिडियम मनाते हैं लोगों का प्रेसिडियम ताकि लोग आए इकट्ठे हो जाएं कभी हम आंध्र प्रदेश आंध भवन में मीटिंग लगाते हैं कभी हम जगह जगह जाके लोगों से मिलते हैं कभी उनकी मीटिंगों में जाते हैं कभी उनको कहते हैं भाई इकट्ठे हो जाओ पर नेता नहीं ने इकट्ठा होने दे रहे हैं क्योंकि नेताओं की रो, रोजी रोटी और धंधा खत्म हो जाएगा जैसे अभी संविधान दिवस के ऊपर सबने अलग अलग लगाई है संगति अगर ये संविधान दिवस सब एक साथ मना लेते तो संविधान बच जाता वो वो भी बच जाती गारंटी थी इस बात की क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या है अगर एक वॉइस एक आवाज होगी और एक तरह का झंडा होगा और एक तरह की बात होगी और एक साथ होंगे तो गवर्नमेंट मान लेती है बात को संविधान मान लेता है बात को पर जब अलग अलग होंगे तो गवर्नमेंट भी मजे से बैठी रहती है तो क्या जरूरत पड़ी है जब तक तो खुद ही अलग अलग होकर मर रहे हो तो संविधान तो बाद में बचेगा पहले तुम ही बच जाओ इस समस्या को देखते हुए समर संघ ने सभी जितने भी हमारे नेता हैं उन सबको कहा भाई इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ नहीं मारे जाएंगे पर कोई इकट्ठा नहीं हुआ जब कोई इकट्ठा नहीं हुआ तो सोचा भाई हम ही इकट्ठे हो जाए साधारण लोग तो यह साधारण लोग इकट्ठे होने लगे और साधारण लोग इकट्ठे होकर विधा पीपल के नाम से हम इकट्ठे हुए पर जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है एक साथ तो बदलता नहीं है विदा पीपल के नाम से इकट्ठे होने शुरू हुए तो कुछ लोगों ने इसमें कहा कि मुझे राजनीति करनी है तो उनको कहा भाई बहुमत से बात कर लो तो बहुमत ने कहा जी राजनीति नहीं करेगा संघ ये तब तक संघ नहीं था तब तक तो वीदा पीपल था राजनीति नहीं करेंगे हम तो वो लोग चले गए अब वो ये तो कहते नहीं किसी के हमें राजनीति करनी थी इसने चले गए कुछ लोगों ने कहा जी कि हम चंदा इकट्ठा करेंगे यहाँ व्यापार करेंगे उनको कहा भाई व्यापार अलग करो और चंदा यहाँ इकट्ठा होगा नहीं उनका चंदे का, का काम क्योंकि चंदा धंधा है जो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं वो कुछ जमा करते हैं कुछ खा जाते हैं तो चंदे का बात यहाँ ख़त्म हो गई कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम तो यहाँ एक मत और एक धर्म की बात करेंगे उनसे कहा भाई देखो संविधान के अंदर संघ के अंदर एक मत एक धर्म की बात नहीं होती मत और धर्म संविधान ये कहता है कि आपका पर्सनल मैटर है इसको आप पर्सनल लेवल पर लें ये सामूहिक मैटर नहीं है आप किसी संघ को या किसी संविधान पे अपना मत या अपना धर्म या मजहब या रिलीजन नहीं थोप सकते आपको संवैधानिक दायरे में देश के अंदर संविधान के तहत चलना होगा और हम संविधान को नेता मानते हैं इसलिए यहाँ एक मत की और एक एक विचारधारा की बात नहीं चलेगी यहाँ सबकी विचारधारा सबके साथ अपनी अलग अलग है और हम किसी की विचारधारा को छोटा बड़ा नहीं कहते तो जो लोग यहाँ एक मत का एक धर्म का एक मजहब का काम करने आए थे वो भी चले गए अच्छा हुआ क्योंकि अपना मंतव्य बताया और चले गए इसमें बुराई कोई बात नहीं है जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगे वो करे तो उसके बाद में फिर वो लोग विदा पीपल का टाइटल लेके चले गए कि हम विदा पीपल के नाम से काम करेंगे हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनका सोच वोच कुछ था नहीं इतना ही सोच था नेता बनना है पैसा इकट्ठा करना है पर जो बड़ी सोच के लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम पुराने संघ पे काम करेंगे पुराने संघों के नियम खोदे गए पुराने संघों के नियम आए यहाँ एक एक करके डिस्कस हुए यहाँ पिछले तीन साल से लगातार नियमों को खोद रहे हैं खोद रहे हैं तो पुराने नियम निकल के लाए तो पहला नियम निकाल के लाए केवल समण हम पहले भी समर्थ थे और अब भी समर्ण हैं तो यह ये जो सुख और ये जो विकास और ये जो स्वच्छा का काम हम कर रहे हैं जो हमारा उद्देश्य है ये केवल समणों के लिए है इसमें बमण की एंट्री कभी नहीं हो सकती फिर ये बात हुई कि भाई चंदा नहीं लेंगे ना चंदा देंगे क्योंकि चंदा ना पहले लिए गए हैं और ना तो खर्चा क्या चलेगा तो सब अपना अपना खर्चा अपने आप उठाएंगे अपनी रोटी अपने आप लेके आओ अपना किराया अपने आप दो अपना खर्चा अपने आप उठाओ और जो सामूहिक खर्चा है उसको मिलके जो एक्टिव संघी है वो उठाएंगे फिर बोले भाई राजनीति में कभी नहीं जाएंगे तो संघ कभी राजनीति में जाते नहीं तो बात खत्म हो गई तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे नहीं ना यहाँ पद होगा ना पोस्ट मंच होगा ना माला होगी तो भाई काम कैसे करेंगे तो पुराने पैटर्न पर काम करेंगे टेम्परेरी रूप से जिम्मेदारियाँ जो लेना चाहेगा उसको जिम्मेदारी संघ देगा और संघ को ही वो रिपोर्ट करेंगे व्यक्ति को नहीं करेंगे यानी व्यक्ति को कोई रिपोर्ट नहीं करेगा संघ को करेंगे तो यहाँ एक तारीख को हाउस लगता है संघ जिम्मेदारी देता है आपस में पास करके और संघी उसको संघी काम करते हैं और संघी खुद ही संघ को रिपोर्ट करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए तो वह भी संघ के जो आदेश हैं जो हम मिल बनाते हैं वो सबसे ऊपर होंगे ठीक बात है भाई संघ के आदेश सबसे ऊपर होंगे हमारे ये ऐसे नियम करके हमने दस गोल्डन नियम यहाँ बनाए और भी नियम है और दसवां नियम हमने ये बनाया कि ये नियम कभी बदले नहीं जाएंगे ना ही इन्हें कोई छेड़ सकता है ना ही कोई हटा सकता है ना ही ये टेढ़े हो सकते हैं ना ही ये मेढ़े हो सकते हैं ये चलेंगे और ये दस अमत नियम हमारे जो दस विनय हैं ये लगातार इसके आधार के ऊपर चलेंगे तो ये काम चल ये ये काम चलने लगा इस काम के चलने से बहुत सारे संगठनों को परेशानी होती है होनी चाहिए क्योंकि जो बातें संगठन को ख़त्म करती हैं वो इसमें नहीं है बाम सेफ़ ने तीन बातें कही थी कि वो नॉन एजुटेशनल है कभी धरना प्रदर्शन नहीं करेगी वो नॉन रिलीजियस है किसी मत को नहीं मानेगी और वो नॉन नॉन रिलीजियस नॉन एजुटेशनल और नॉन पॉलिटिकल है यानी वो राजनीति में नहीं जाएगी वो बात लोगों को बहुत पसंद आई पर जैसे बाम सेब के टुकड़े हुए उसने नेतागिरी भी शुरू कर दी सब ने अपनी अपनी पार्टी बना ली उन्होंने धर्म और मजहब भी ले लिया बेशक वो अच्छा धर्म है अच्छा मत है पर नहीं लेना चाहिए था क्योंकि अगर आप बुद्ध को मत मानते हो रिजस मानते हो तो नहीं न, 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 नहीं लेना चाहिए था सबका अपना अपना अलग अलग है और उन्होंने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने लगे पहले वो कहते थे कि हम डिमांड नहीं करेंगे अब वो डिमांड भी करने लगे हमको ये दो हमको ये दो हमको ये दो, दो। उससे लोगों का यकीन व विश्वास टूट गया इस यकीन व विश्वास के जो बहुत सारे लोग पहले से जमा थे वो सारे सारे संघ में आगे बढ़ने लगे खिंचने लगे संघ बिल्कुल ठीक चलता है कारण यह है कि संघ के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है कभी जीवन में कोई व्यक्ति आएगा भी नहीं ये संघवाद पे चलेगा यानी कि यह व्यक्तिवाद पे नहीं चलेगा यहां केवल संघवाद है इसका भी एक नियम है कि यहां केवल संघवाद रहेगा तो जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो व्यक्ति इसको अपनी इच्छा से मोड़ नहीं सकता तो जब भी संघ का नियम होगा या संघ कहीं मुड़ेगा संघ की इच्छा से मुड़ेगा संघ के द्वारा मुड़ेगा संघ के लिए मुड़ेगा और संघ पास करेगा तो कोई अगर इसमें गड़बड़ होती है तो उसको शुद्ध कर लेते हैं इसका एक नियम है कि जो संघ को घात करेगा वो संघ में कभी उसकी वापसी नहीं होगी तो संघ में कोई घात करता नहीं और संघ की विचारधारा के अंदर ही रहना है कोई विचारधारा दूसरी इसमें चलेगी नहीं ये नियम पुराने संघ के नियम हैं पर जब ज़्यादा खुदाई की और ज़्यादा पता किया तो पता चला अरे यही नियम तो पूरी दुनिया में सारे संघों ने ले रखे हैं जो बुद्ध के विनय पिटक में लिखे हुए हैं वो उनके धम्म के नियम हैं धम्म के संघ के क्योंकि बुद्ध का जो संघ था वो धम्म का संघ था पर बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे सिद्धार्थ गौतम थे उससे पहले वो जिस संघ के मेंबर बने इक्कीस साल की उम्र में वो धर्म का संघ नहीं था वो साधारण हमारे जैसे लोगों का संघ था और वो भी साधारण इक्कीस साल के लड़के थे जो सामण संघ में गए इसलिए संघ पहले से स्थापित है और इसके सबूत लगातार मिलते रहते हैं बस वही संघ है हमारे यहाँ बहुत सारे शब्दों का निषेध है जैसे हम किसी गवर्नमेंट को गाली नहीं देते हम किसी गवर्नमेंट के नेता को या राजनेता को कुछ नहीं कहते हम उसका नाम भी नहीं लेते हम किसी रिलीजन का आपस में नाम नहीं लेते किसी का मत जो भी है चाहे वो अच्छा है बुरा है उसके साथ है हम उसका जिक्र नहीं करते हम किसी के देवी देवता को भी गाली नहीं बकते हम किसी की किताबों को भी गाली नहीं बकते हम कोई रिलीजियस झगड़े यहाँ पैदा नहीं करते हम गवर्नमेंट की किसी जो नियम पास हुआ पार्लियामेंट में उसकी आलोचन आलोचना नहीं करते हम किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं करते हम केवल समड़ों की बात करते हैं समड़ों के महापुरुष की बात करते हैं समड़ों के जो उनतीस लाख नेता हैं जो उनतीस लाख संगठन हैं चाहे वो सामाजिक संगठनों के हैं हजारों की संख्या में चाहे वो राजनीतिक हैं हजारों संख्या में चाहे वो लड़कों के दलबल सेना आर्मी है हजारों की संख्या में चाहे वो भिक्खू भनते और संत और इनके मतों के हैं चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हजारों की संख्या में संगठन है हम उनको बोलते हैं उनको कहते हैं कि अरे भाई तुमको अकल नहीं है क्या इतनी सारी राजनीतिक पार्टी बना ली तो जीतोगे कैसे हमें बता दो आओ बहस करते हैं जूम पर आ जाओ हम उनसे कहते हैं भाई ये तुम क्या कर रहे हो इतने सारे सामाजिक संगठन बना लिए तुम्हारे क्या उद्देश्य अलग अलग हैं जो तुम अलग अलग रहते हो ये क्या झगड़ा है क्या नहीं है उनको हम बोलते हैं कि इनको बंद करो एक करो लड़कों को कहते हैं कि भाई सारे लड़के जबकि एक साथ नहीं होंगे और वो एक छत छाया में नहीं आएंगे जीत नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए अलग से पार्टी बना के क्या करोगे क्या अलग से झगड़े करोगे उग्र आंदोलन करोगे जेल में चले जाओगे गोली मार देंगे तो वो उनको समझाते हैं जो हमारे सरकारी कर्मचारी लोग हैं उनको कहते हैं भाई तुम अलग अलग हुए तुम्हारे डिपार्टमेंट में गए तुमको अब तो समझ में आनी चाहिए तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आती है ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं उनको कहते हैं और फिर उनको कहते हैं आओ आगे बहस करते हैं जूम पर आ जाओ जहां कहोगे वहां आते हैं आओ बहस करते हैं कि तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते ये गारंटी है आओ बहस कर लो इस बात के ऊपर पर उन्हें भी पता है कि वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हमें भी पता है कि वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हमें भी पता है कि भारत में जो लोग कामयाब हैं वो संगठन से नहीं संघ से कामयाब हैं उनको भी पता है कि ये समर्थ संघ जो चल रहा है ये एक दिन अपना परिणाम लेके आएगा पर जब व्यक्ति राग में दो इसमें पद में मंच में माला में इसमें फंस जाता है जब उसको कुछ मिलना शुरू हो जाता है कहीं जमीन जायदाद बना लेता है कोई भवन मठ बना लेता है उसका कुछ बन जाता है तो कहता है जो होगा देखा जाएगा मुझे तो इसी में मज़ा आ रहा है तो उसको छोड़ना बड़ा भारी पड़ता है इसलिए वो मरने को तैयार होता है पर छोड़ने को तैयार नहीं होता ये समस्या है इस समस्या से हम लड़ रहे हैं इसीलिए आपको इन्वाइट करते हैं कि आप सबके सब लोग इकट्ठे हो जाएँ और इकट्ठे होने के लिए समर संघ से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई चंदा वंदा नहीं है इसमें कोई नेता वेता नहीं है इसमें कोई धर्म मत इसमें कोई रीजन नहीं है इसलिए सारे संतों को बुलाया है ग्यारह फरवरी को समे के जितने संत हैं सब आओ ना कोई छोटा है ना बड़ा है संतों में ही आपस में झोल है संत ही आपस में लड़ते रहते हैं एक संत दूसरे संत के अनुयायियों को देखना पस... संत तो सारे चले गए संत तो एक भी नहीं है पर उनके अनुयायी दूसरे संत के अनुयायी को देखना पसंद नहीं करते अरे भाई तुम्हें तुम्हारे संत ने यह थोड़ी बताया है कि तुम्हें आपस में लड़ना मेरे को एक समण संत बता दो जो ये कहता हो कि हमें आपस में लड़ना है एक समण संत बता दो आपको एक श्रवण संत नहीं मिलेगा जो आपस में लड़ने के लिए बोलता हो तो अनुयायी क्यों लड़ रहे हैं भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई, कोई ना कोई गड़बड़ है उस गड़बड़ को पकड़ने के लिए सारे समरण संतों का समागम चार सौ साल बाद लगेगा ग्यारह फरवरी को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में चूंकि खर्चा हमें सबको अपना अपना उठाना होता है इसलिए जो लोग यहाँ आएंगे वो अपने खाने का बैठने का तालकटोरा स्टेडियम का लाइट का साउंड का सिक्योरिटी का वहाँ जो मेनुल पाव लगेगी उनका खाने इसका हलवाई का इल्ले का बिल्ले का ये सारा खर्चा मिला के एक व्यक्ति का तीन सौ है और जो नौजवान है हमारे दस से लेगी बीस साल तक उनका एक सौ यानी आधा है और छोटे बच्चे तो संघ के ही होते हैं इसलिए उनका सिर्फ पच्चीस रुपये है जो उनके गले में डोरी पड़ेगी ये है तो आप यहाँ अपना कोई जो काम करना चाहें या जो आना चाहें या जो संघ को आके देखना चाहें जो सारी बात समझना चाहें वो अपना यहाँ बात करें हैंडरेज करें अपनी इच्छा जाहिर करें इसको देखें कोई बात समझ में नहीं आती तो प्रसन्न करें प्रसन्न खूब करें जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक जीतेंगे नहीं मेरी किसी बात से अगर किसी समर्थ संगी को कोई आहत हुआ हो कोई हानि हुई हो तो मैं उससे और संग से माफ़ी मांगता हूँ संघ मुझे माफ़ करे, संग मुझे माफ़ करे, संग मुझे माफ़ करे संघन नमामी संघन नमामि संघ नमामि